Hello viewers, welcome to my channel Let's Discuss. I am Priyanka Priyadarshi and today I am going to discuss the topic consumer behavior. In last session we have discussed about marketing. What do you mean by marketing? So we understand that marketing is all about identifying and meeting customers' need profitably. Marketing में हम customers के need को identify करते हैं और उसके नीड्स को उसके एक्सपेक्टेशंस को मीट करते हैं प्रॉफिटेबली. अगेन हाउ वी आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, तो कस्टमर्स के नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उनको उनके बिहेवियर को जानना बहुत ही जरूरी होता है. जब तक हम उनके बिहेवियर को नहीं समझेंगे, उनके माइंडसेट को मैप नहीं करेंगे कि वो कब क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, किस सिचुएशन में वो कैसे बिहेव करते हैं, तब तक हम कंज्यूमर के नीड्स को उनके एक्सपेक्टेशंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. तो शिफमैन एंड कनुक ने बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है कि कंज्यूमर बिहेवियर इज द बिहेवियर दैट कंज्यूमर्स वेदर इट्स एन इंडिविजुअल और ग्रुप और एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्ले इन सर्चिंग फॉर परचेजिंग using, evaluating and disposing of products and services that they expect will satisfy their needs. तो इसमें कई सारी चीजें, कई सारे aspects हैं, बहुत सारे terms को include किया गया है कि consumer behavior वो है जो एक individual हो या group हो या business organization हो, वो search करता है purchasing के time पे. और जब वो प्रोडक्ट को परचेज करने चाहता है तो वो किन किन चीजों को सर्च करता है और बिफोर परचेजिंग वो कैसे उन चीजों को इवैल्यूएट करता है, किन चीजों को डिस्पोज करता है और किस सर्विसेज को वो एक्सपेक्ट करता है जो कि उसके नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करे. तो कंज्यूमर बिहेवियर एक वर्सेटाइल टॉपिक है क्योंकि कंज्यूमर किस समय किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा, इट्स टोटली अनप्रेडिक्टेबल और इसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिस पे कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है. शिफमैन एंड कनुक ने और भी कई सारी चीजें इंक्लूड की हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर किन किन चीजों को इंक्लूड करता है. सो दैट इंक्लूड्स व्हाट दे बाय, why they buy, when they buy and where they buy, how often they buy it or how often they use it, how they evaluate it after the purchase, the impact of such evaluations on future purchases and how they dispose of it. तो ये कई सारी चीजें हैं जो buy से related है. BUY buy जो है वो अपने आप में multi questions को include किया जाता है. Buy what, मतलब क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, कितना ऑफन खरीदना है और अगर आप उसको खरीद भी लिए तो यूज करने के बाद आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कितना ज्यादा है कि आप क्या फ्यूचर में उसको परचेस करोगे या उसको डिस्पोज कर दोगे. तो ये सारी चीजें हैं जो कि कंज्यूमर बिहेवियर को इफेक्ट करती है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करती है. देयर आर सो मेनी साइंटिफिक डिसिप्लिन सच एज साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, सोशियोलॉजी द स्टडी ऑफ ग्रुप, सोशल साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ how an individual operates in a group, anthropology, the influence of the society on the individuals and economies. So consumer behavior is influenced by not only advertisement, not only family and friends, but there are different models, there are different situations and emotions on which consumer's behavior depends. Apart from that, it focuses on how individual make decisions to spend their available resources. Available resources kya ho sakte, time ho sakta hai, money ho sakta hai, effort ho sakta hai, on consumption related items. Kisi bhi item ko, kisi bhi cheez ko khareedne ke liye wo kitna money spend kare, wo kitna information search kare, मतलब कितना एफर्ट लगाए, कितना टाइम इन्वेस्ट करें, ये बहुत ही
इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसपे कंज्यूमर का बिहेवियर है वो डिपेंड करता है, और किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने में टाइम मनी एफर्ट के अलावा जो इंडिविजुअल का जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है उनके साथ कौन है, उस समय उनका मेंटल स्टेटस कैसा है, वो इमोशनली कितना कनेक्टेड है उस प्रोडक्ट्स के साथ। कई बार ये होता है कि जो कस्टमर होते हैं वो बहुत ही इमोशनली अटैच हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से और बार बार उसका रिपीट परचेस करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि उनका एक्सपीरियंस उनके साथ इतना ज़्यादा खराब होता है कि वो जैसे ही जाते हैं और उस प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर ब्रांड को देख के वो सबसे पहले उसको बाय कर करते हैं। तो ये कई सारी चीजें हैं जिसपे कंज्यूमर का बिहेवियर है वो डिपेंड करता है, जो कि परचेजिंग हैबिट को इफेक्ट करता है। कंज्यूमर बिहेवियर एंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज इंटरडिसिप्लिनरी, स्टार्टेड इन द मिड टू लेट 1960s। ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, बहुत पुरानी कॉन्सेप्ट नहीं है ये, लेकिन नया है बट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। और कंज्यूमर के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के बाद जो रिवॉल्यूशनरी चेंज आया है मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में, जो पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था और अब ये हॉलिस्टिक मार्केटिंग अप्रोच आ गया है, इसका बहुत ही बड़ा क्रेडिट जाता है कंज्यूमर बिहेवियर के पर्सपेक्टिव को आइडेंटिफाई करने के बाद। नॉट ओनली दीज डिसिप्लिन, अपार्ट फ्रॉम दैट मेनी टाइम कंज्यूमर डेट इम्पल्सिव बाइंग, randomly they go something clicked on it on their mind and they used to buy. So consumer are influenced not only by friends, family, by advertisers and role models, but also by mood, situations, emotions. And emotions, trust me, played a very very big role in the purchasing of the any product or in the behavior of the consumer. आप किसी भी चीज का जब डिसीजन मेकिंग करते हो तो डिसीजन मेकिंग के टाइम पे आपका मूड क्या है, आपका एनवायरमेंट क्या है, आप किस सिचुएशन में हो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो वी कैन से दैट कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है इन सारे चीजों का एक मिक्सचर है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सो वेन एवर समबडी आस्क दैट व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर, तो कंज्यूमर बिहेवियर इज नॉट अ वन लाइनर डेफिनेशन, इसमें बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत सारे थॉट्स है, बहुत सारे डिसिप्लिन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जो कि ये इंक्लूड करता है। सो इन सारे डिफरेंट मॉडल्स के बारे में हम फर्दर के इस लेसन पे डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये लेसन समझ में आया होगा। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज, नॉट फॉरगेट टू प्रेस लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, एंड कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।